दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मॉडल हाउस प्लान आपको पूरा मैं डिफाइन करने वाला हूं, जिसका साइज़ है 23x42 फीट 23x42 में पूरा हाउस प्लान मैंने क्रिएट किया है, जिसमें कार पार्किंग की व्यवस्था रखी है। शायद साथ बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन की बात करें, जो मॉडर्न इसमें घर बन रहा है उसको देखते हुए इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है। अगर हम साइड की बात करें तो इधर मैंने लगभग 3 फीट की जगह मतलब गैलरी टाइप का दिया है, जिसमें प्रॉपर तरीके से घर पर वेंटिलेशन हो सके, और इसीलिए मैंने विंडो साइड में दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें, इधर चारों तरफ से आपका ये वो क्लोज्ड घर है, फ्रंट से आपका ओपन है, साइड से आप ओपन। मैंने 3 फीट का खुद का जो आपका 23 है उसमें 3 फीट का यहाँ पर स्पेस साइड में दिया है, इससे प्रॉपर तरीके वेंटिलेशन हो सके। ओवरऑल जो घर बना आपका 20 फीट में बना है, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं 23x42 फीट में। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार, मैं उपम झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान। यदि आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स नए नए वीडियो मिलते रहते हैं, जो आप देख कर कभी भी बनवा सकते हैं। जब भी आप एक बार घर बनवाएं, एक बार इस चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें, जिससे आपको घर का एक नया लुक मिले और आप उसे बनवा सकें। आज का प्लान जो है बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है आपका, बहुत ही बेहतरीन सा विंडो डोर वगैरह सब कुछ बिल्कुल डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका फ्रंट एलिवेशन का, तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, सामने से रोड निकला हुआ है और ये आपका मेन डोर है। ये आपका जो मैंने पार्किंग टाइप की बना रखी है, यहाँ पर आपकी कार पार्किंग होने वाली है। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। इस ग्राउंड फ्लोर पर ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दूं। ये आपका मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, कार को पार्किंग करेंगे। और यहाँ पर ये देखिएगा मैंने 5 फीट का लगभग और साइड में स्पेस छोड़ा है इसका। ये पूरा पार्किंग एरिया है आपका, ये एक बेडरूम है जो कि गेस्ट रूम आपका बना हुआ, उस गेस्ट रूम में फ्रंट से एक कलरफुल दिया और साथ में एक विंडो दिया है। अगर हम बात करें इस कार पार्किंग से, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपको फ्रेम दिया है डोर का, दोनों साइड विंडो है जिससे प्रॉपर तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे गेस्ट रूम में। इसका देखिए 3 फीट का गैलरी आपका चला जाता है, जिससे वेंटिलेशन होता रहता है। और लास्ट में मैंने एक लेट यहाँ पर बना दिया है, आपका यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, इसमें मैंने डोर दिया है 2 फीट का। इसके बाद अगर हम बात करें मेन एंट्री की, तो ये आपका मेन एंट्री का घर है, एक विंडो दिया है प्रॉपर तरीके से। मेन एंट्री से आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक आंगन मिल जाता है, आंगन, और यहाँ पर आप जाल वगैरह भी रखवा सकते हैं। हालांकि वेंटिलेशन आपका साइड से हो रहा है, आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका किचन एरिया है जो फ्रंट से है, आपका विंडो देखिए जो देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके, ये आपका किचन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, आंगन से आपकी एंट्री होगी। साइड में बात करें, ये आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चढ़कर ऊपर जाएंगे, उसी के नीचे एक लेट एंड बाथ मैंने और क्रिएट कर दिया है। पीछे दोनों बेडरूम आपका प्रॉपर तरीके से क्रिएट है, तो कुल मिलाकर 3 बेडरूम, कार पार्किंग का एरिया, बालकनी, साइड में आपका एक बालकनी टाइप की मिल जाती है और एक टॉयलेट बाहर भी मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल आपका बनकर रेडी हो जाता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गेट का जो डिज़ाइन है आप प्रॉपर तरीके से देख लें, जूम करके आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। जो मैंने फ्रेम दिए हैं ये स्टील लकड़ी का और स्टील का, यहाँ पर पूरा घर ये आपके डोर वगैरह जो भी हैं वो लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिमिलर बिल्कुल वही प्लान है, वही पीछे दोनों बेडरूम, आंगन, किचन, लेट एंड बाथ। और अगर हम बात करें स्टेयर्स की और आगे बेडरूम की, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका वही है। सिर्फ कार पार्किंग वाला जो एरिया था वो आपका एज अ बालकनी इस्तेमाल होगा। देखिए मैंने इसलिए ग्रिल यहाँ पर लगा दी है। तो ये पूरा मॉडल जो आपका बनकर रेडी होता है 23x42 में ग्राउंड फ्लोर। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ से मैंने बाउंड्री दिया और कुछ भी डिज़ाइन में चेंजमेंट नहीं है, पूरा सिमिलर ही आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, रेगुलर अपडेट पाने के लिए, रेगुलर नए नए मॉडल पाने के लिए। तो ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ इसके रेलिंग वगैरह का, और भी आपको इसका टेक्सचर वगैरह समझ में आ जाए जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।